स्टार्ट। हेलो सर, मेरा नाम राजेश कुशवाहा है। मुझे एक्चुअली सडनली BPI होने के कारण मुझे फेशियल पैरालिसिस का स्ट्रोक था, जो कि मैं भी नहीं समझ पाया था मेरी नई बीमारी थी। तो मैं इनिशियली लेवल पर मैंने डॉक्टर से न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, जहाँ की मुझे बेसिक ट्रीटमेंट दिया गया। मुझे 5 से 6 दिन मुझे हॉस्पिटलाइजेशन रखा गया, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे रिलीव कर दिया, उसके बाद मुझे फिजियोथेरेपी सजेस्ट करी गई। एक्चुअली मेरे लिए नया था कि एक्चुअली ये वाले प्रॉब्लम में होता है क्या कि आपका जो वन साइडेड फेस होता है या फिर जो भी रहता है वो काम करना बंद कर देता है। तो मेरे लिए बहुत ही चीज़ नहीं थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या किया जाए। एक्चुअली था क्या, मैं जॉब में हूँ और इतना मुझे बेड रेस्ट था नहीं मेरे पास। तो इनिशियल लेवल पर मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, उनने मुझे स्टिमुलेशन, मुझे एक कोर्स बताया, ठीक है, मैंने कंटिन्यू किया। कुछ टाइम होने के बाद मुझे ऐसा फील आया कि मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा। फिर मैंने और सर्च किया, फिर मैंने फिजियोथेरेपिस्ट चेंज किया। ऐसे मैंने 3 फिजियोथेरेपिस्ट चेंज किया। काफ़ी टाइम बढ़ता गया और मेरी टेंशन और बढ़ती गई, क्योंकि आप भी समझते हैं कि अगर आप जॉब में हैं तो आपको इतनी आप लीव नहीं कैरी कर सकते या आप इतना रेस्ट नहीं कर सकते। जो कि मेरी लोकेशन दूसरी थी, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट थे नहीं, तो मुझे अपने होम टाउन भोपाल में रहकर ट्रीटमेंट कराना था। फिर मैंने काफ़ी टाइम 10 से 12 दिन होने मैंने चेंज किए, मैंने फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, मुझे कोई भी चेंजेस नहीं दिखा। मेरी टेंशन और बढ़ती गई, मैं रेगुलर एक्सरसाइज भी करता था, वो लोग मुझे ट्रीटमेंट भी देते थे। आई डोंट नो, पता नहीं कैसा वो स्टिमुलेशन या फिर जैसा वो कॉन्टैक्ट करते थे। फिर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ एक्चुअली। फिर मैंने नेट पर काफ़ी सर्च किया। फिर मैं 2 सितंबर को डॉक्टर SK कुशवाहा जी से मेरा संपर्क हुआ। मैंने ऑनलाइन सर्च किया था उन्हें, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया, उनसे मेरी बात हुई और हम लोगों ने 10 दिन का टारगेट लिया। 10 दिन का हमने टारगेट लिया कि हमें 10 दिन में, मैंने सर को बोला कि सर मेरे पास ज़्यादा छुट्टी भी नहीं है और मैं बहुत मैंने डीमोटिवेट ही हो गया था एक तरीके से। सर ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, मैंने इनिशियल लेवल पर इतनी हैंड होल्डिंग करी। हमने 2 सितंबर का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी पहली सेटिंग में, मेरे पहले सेटिंग में ही मुझे मेरे फेस पे मूवमेंट स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। और माने हर सेकंड डे पे मेरी मेरे फेस पर एक ना एक न्यू एक्सप्रेशन स्टार्ट होने, माने हर एक माने कुछ ना कुछ न्यू मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो गया। और सीरियसली माने मैंने ऐसा पढ़ा है या फिर मैंने देखा है कि एटलीस्ट महीना तो आप माने 30 दिन या फिर 2 महीने तो आप मान ही हो, पर आप यकीन नहीं करेंगे 7 से 8-10 दिन के अंदर मैं लगभग 80% मेरे फेस के मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। माने थैंक्स अ लॉट, अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे नहीं आया होता, मेरा ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हुआ होता, तो ना जाने माने मेरी छुट्टी, मेरा जॉब और मेरा जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो चुका है। माने थैंक्स टू सर, माने उन्होंने इतनी मेहनत करी मेरे साथ, इतना माने बेसिक ट्रीटमेंट, माने हर एक चीज़, माने सुबह शाम, माने हर चीज़, माने और सीरियसली माने इतना फास्ट रिजल्ट। और आज मैं अभी मैं माने बहुत कम सेटिंग्स में ही 7 से 8 दिनों के अंदर मेरे अंदर 80% 90% मेरा मूवमेंट स्टार्ट हो गया।